दोस्तों नमस्कार, कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय, लास्ट जो वीडियो था उसी माफिक भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, जिसमें 160 साल पुराना भारतीय दंड संहिता IPC को निरस्त करने का विचार है, और उसकी जगह ये नया संहिता, नया भारतीय न्याय संहिता विधेयक उसको उसका रूप लेगा, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा और बात करने जा रहे हैं। अब इसमें लंबे समय से फिल्मों में संवाद का हिस्सा, लोकप्रिय संस्कृति के पहलू और आम लोगों की भाषा उसमें अंतर्वर्ती, इतने आम लोगों तक ये जो इंडियन पिनल कोड था, पहले वो ब्रिटिश पिनल कोड था, वो आम लोगों तक चला गया। एक उदाहरण के तौर पे आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, धारा 302 की, धारा 302 बोल के तो क्या हो गया, आईपीसी 302 यानी हत्या, यानी मर्डर। अब हत्या 302 बोलने के बाद तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है कि हत्या की बात है। आईपीसी धारा 302 में हत्या के लिए सजा निर्धारित की गई है, जो कोई भी हत्या करेगा उसे मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माने के लिए भी वो उत्तरदायी होगा। अब प्रस्तावित BNS 2023 ने जो धारा 302 है उसमें स्नैचिंग का अपराध का वर्णन किया है। स्नैचिंग यानी चेन स्नैचिंग जो रहता है, जो चोरी करने के लिए, छीनने के लिए उद्देश्य चोरी की जाती है। अपराधी अचानक या जल्दी से जबरन किसी व्यक्ति से उसके कब्जे से कोई भी चल संपत्ति को जब्त करता है, सुरक्षित कर लेता है और छीन ले लेता है अपने हाथ में, उसको स्नैचिंग कह सकते हैं। अब ये चेन स्नैचिंग होगा, मोबाइल स्नैचिंग होगा, बहुत कुछ हो सकता है। अब प्रस्तावित संहिता में फिर भी हत्या है कि नहीं, तो है ना, हत्या को धारा 99 के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो गैर इरादतन हत्या और हत्या के बीच अंतर का पहचान कराती है। तो 302 का कलम जो है वो हत्या की शिक्षा कहता था, वो हो गया धारा 101। अब हत्या की सजा धारा 101 के निर्धारित की गई है, जिसमें दो उपराध है, यानी 101 में दो अलग अलग चीज बताई गई। 101 एक कहती है जो कोई भी हत्या करेगा उसे मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माने के लिए भी वो उत्तरदायी होगा। और प्रस्तावित संहिता की धारा 102 में, ये जो एडिशन है वो दो में, जब पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म, भाषा, स्थान, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के हर सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से कम अवधि का कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी वो उत्तरदायी होगा। यानी यह दूसरा उपविभाग जो है वो जो हत्या का संदर्भ करता है और जिसमें लिंचिंग का शामिल होता है। ये लिंचिंग यानी एक साथ सब लोग मिलके एक किसी को मारपीट देते हैं, किसी धर्म की ओर, किसी जाति की ओर, या किसी, जैसे अभी मणिपुर में हो गया, किसी एक लड़के को या उसके भाई को, एक लड़की के ऊपर बलात्कार किया, उसके भाई को मार दिया, लिंचिंग के अनुसार वो जो कोई थे, अगर ये नया कायदा कानून आ जाएगा तो उसमें जितने हैं उन सब पे ऊपर मृत्युदंड या आजीवन कारा उसका शिक्षा हो सकती है। ये आज का जो विषय था, ये खास करके आज 302 के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे थे, जो अभी 302 101 धारा के में बदलने जा रहे हैं। भारतीय न्याय दंड संहिता विधेयक 2023 के अलग अलग पहलू आपके सामने लाते रहूंगा। अगले वीडियो में ऐसे कुछ नया धारा आपके सामने लाऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।